मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में पवित्र वचन लेकर आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है, आइए आज के वचन मनन के लिए भजन संहिता 26 उसका 1-8 वचन तक हम पढ़ें। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूं। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कामों का वर्णन करूं। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। जिस प्रकार ये भजन संहिता का शीर्षक में लिखा है, दाऊद का भजन है ये। हम इस भजन में हम देख सकते हैं कैसे जब दुश्मन चारों तरफ से घेरे हुए हैं, निंदा बदनामी ऊपर फेंक रहे हैं, दाऊद कैसे परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपनी बिनती लेकर आता है। और ये भजन प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा मसीहा, दाऊद का पुत्र, उस प्रभु के कष्ट की एक छाया है। हमें नहीं मालूम कि ये भजन लिखने के समय कैसी परिस्थिति में दाऊद है। कई लोगों का कहना है कि ये भजन उस समय लिखा है जब राजा साउल और उसके लोग दाऊद को सता रहे हैं, क्योंकि वो लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं कि दाऊद एक दुष्ट व्यक्ति है। कई लोगों का सोच है कि इश्बोशेत की हत्या का वो दोष दाऊद के ऊपर वो लगा रहे हैं। सो जब उसके ऊपर ये आरोप लग रहा है, दाऊद निष्कलंक मन से प्रभु के सामने विनती रख रहा है। परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि दाऊद का हृदय दर्द से भरा है। वो प्रभु से लिपटा हुआ अपनी निष्कलंकता को व्यक्त कर रहा है। प्रभु जो सत्य और न्यायी है। हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आते हैं, जब लोग हमारे ऊपर आरोप डालते हैं, झूठी बातें गढ़ते हैं, तो हम अपनी निष्कलंकता लोगों के सामने दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहां पर दाऊद को देखें जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर पर ही भरोसा करता है जो उसे न्याय और सत्य दिला सकता है। जब वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आता है तो उसका आत्मविश्वास जरा देखें। उसे मालूम है उसने प्रभु पर भरोसा किया और सच्चाई से, खराई से वो चला है, और वो मार्ग में चला है जिसमें परमेश्वर ने अपने करुणा से और अपने प्रेम से उसे चलना सिखाया है। दाऊद जानता कि वो पापी है, और हमने पहले ये विषय को मनन किया है कि कैसे प्रभु के सामने वो विनती करता है कि सत्य के मार्ग में चले। जब प्रभु ने उसको उसका मार्ग सिखाया, दाऊद आज्ञा मानकर उन बातों को सीखा, उसे अंदर यह विश्वास है कि प्रभु जब उसे जांचेगा तो वो निर्दोष निकलेगा। इसलिए दूसरे वचन में कहता, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूं। क्या हम भी सर्वशक्तिमान के सिंहासन के सामने यही बात बोल सकते हैं दिलेरी से? हमारे पास तो हमेशा कुछ ना कुछ तो बहाने रहते हैं, और
अपने किए हुए गलती के लिए हम वही पुराना गाना गाते हैं, प्रभु तू क्षमा कर। परमेश्वर जो हमें पाठ सिखाना चाहता है, हम उसे सीखने के लिए तैयार हैं, और लेकिन हम वही गलतियां दोहराते हैं और वही प्रार्थना की रट हमारे जबान पर है कि प्रभु तू क्षमा कर। आइए इन दिनों में जब प्रभु का आगमन नजदीक है, हम अपने आत्मिक जीवन को महत्व दें, ताकि हम उस सिद्धता की ओर बढ़े जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। दुनिया हमारे विरोध में चाहे कुछ भी बोले, कोई भी आरोप लगाए, कुछ भी दोष लगाए, जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हैं, हमारे अंदर वो दिलेरी होना कि हम सत्य के मार्ग में चले हैं जो प्रभु ने हमें सिखाया। स्वर्ग हमारे जीवन से प्रसन्न होने पाए। हम प्रतिदिन उस सिद्धता में जब बढ़ते हैं तो परमेश्वर को दैवीय स्वभाव इस दुष्टता भरी दुनिया में हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने लगता है। आइए हम ये प्रमाण करें कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी पुत्र हैं, हमारे जीवन के द्वारा हमारे पिता के नाम महिमा पाए। जब परमेश्वर हमें परखे, आइए हम सोने की तरह चमकने लगे, जो प्रतिदिन जिसकी प्रकाश महिमा बढ़ती है, क्योंकि शुद्ध करने वाले की भट्टी के आग के कारण गंध उसमें से निकल जाता है। दाऊद ये घमंड नहीं कर रहा कि उसने जो फैसले लिए, उसने जो कड़ी मेहनत की, उसके बारे में घमंड नहीं कर रहा, वरन उसकी नजरों में परमेश्वर का वो प्रेम सामने है, और ये बात उसे हौसला देती है कि वो परमेश्वर के दिव्य सत्य के मार्ग में वो चले। जब हम अपने आप को परमेश्वर के उस बड़े प्रेम के बारे में याद दिलाते हैं जिसके लिए हम योग्य नहीं, तो फिर हम भी ये सत्य के मार्ग में चलने के लिए हमारे अंदर भी उत्सुकता होगी। बेशक उसके लिए भारी कीमत देनी पड़े, लोगों के सामने शायद मूर्खता दिखे। दाऊद कहता है उसने अपना समय झूठ बोलने वाले और व्यर्थ लोगों के बीच में नहीं बिताया है, ना ही कपटियों के संग वो चला है, दुष्टों के संगति को उसने घृणा किया है, दुष्टों के साथ वो बैठा नहीं। इस भजन में वो कितने बार लिख रहा है, उसने अपना समय परमेश्वर के वचन को मनन करने में बिताया और उसमें उसने आनंद वो आनंदित हुआ है, दिन और रात उसने समय बिताया है, इसलिए वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिता पा रहा है। ये नहीं कि दाऊद एक सिद्ध व्यक्ति था जिसने कभी गलतियां नहीं की, पाप नहीं किए, उसने पाप किए हैं, सत्य के मार्ग से कई बार वो भटका है, और हम कई बार दाऊद की गलतियों को देखकर हम बहाने मारते हैं और सोचते हैं कि हमारे पाप में अभिलाषाओं में जिसमें हम टाइम बिताते हैं उसके लिए परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन हमारे हाथों में दिया ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव को समझें कि कैसे पुराने नियम के संतों के साथ परमेश्वर ने व्यवहार किया, उनके पापों के लिए जो सजा उन्हें मिली, कैसे परमेश्वर ने उन्हें सुधारा और सही मार्ग में चलाया, ताकि हम भी अपने जीवन के यात्रा में ध्यान रखें और उन दुष्ट मार्गों से, उन गलत रास्तों से हम बचकर रहें। और अगर हम वही मार्गों में, दुष्ट के मार्ग में चले जिसमें हमें मालूम है परमेश्वर ने पुराने नियम के संतों को सजा दिया, और जानबूझकर उस मार्ग में चले, तो उसका मतलब कि हम जानबूझकर खुश होते हैं जब प्रभु दुखी होता है। पिछले दिनों में हमने बहुत से ऐसे काम किए होंगे जो प्रभु को दुख पहुंचाया, लेकिन आज परमेश्वर के वेदी के सामने हम जब आते हैं, आइए हम अपने आप को शुद्ध करें, इस गंदगी से शुद्ध हो जाए, पवित्रता से परमेश्वर के वेदी के सामने हम आए। छठे और सातवें वचन को हम देखते हैं, मैं अपनी हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। परमेश्वर के व्यवस्था में नियम दिया था कि जब याजक परमेश्वर के मंदिर में आते हैं
उन्होंने अपने आप को शुद्ध करना है, धोना है वेदी के सामने आने से पहले। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग पवित्रता से शुद्ध होकर शोभायमान होकर प्रभु की आराधना करें। हम जबकि नए सिरे से जन्मे हुए लोग हैं जिन्होंने मसीह का नया जीवन पाया है, आइए हमारे अंदर वो इच्छा प्रतिदिन बढ़े कि मैंने पवित्रता में बढ़ना है, अपने पिता जो स्वर्ग में उसकी तरह मैंने सिद्ध होना है। आइए हम सच्चे मन से उसके लिए मेहनत करें। जैसे वचन कहता है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। हम दूसरों को देखने के बजाय प्रभु हम एक एक को मदद करें, क्योंकि समय थोड़ा है। आइए हम और जागरूक हो जाएं, हमारे प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं, प्रभु उसके लिए हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए। आपके पवित्र वचन के द्वारा बाप, आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, आप हमें अच्छी तरह जानते हैं। दाऊद पिता आपके चरणों में आया, निष्कलंक मन से आया, आपको प्यार करता था। बाप, जब आपका आगमन नजदीक है, अब्बा अपने बहुमूल्य खून से हम एक एक को धो ले। हमारे अंदर की इच्छाएं लालसाओं को प्रभु तेरी आत्मा में जो आग है वो भस्म करे, ताकि हम भी पवित्रता को प्यार करें। पवित्रता के लिए हमारे अंदर वो जलन हो। दुनिया बेशक हमारे बारे कुछ भी बोले, बाप आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर। आपकी आशीष हम मांगते, सब महिमा आप ही को देते, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष से, हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। माराना।